हम लोग आज जैसे 7 तारीख है, हमारे आज धरने का तीसरा दिन है और हम लोग ये पथ विक्रेता जो बेचते हैं ना रोड साइड पे, उनके बारे में धरना लगा रहे हैं। उनके लिए जो 2014 में कानून बनाया ना वो लागू नहीं हुआ। हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनके हक के लिए कानून बने। उनको जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां झेलनी पड़ती है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार करे उनके लिए, ताकि उनको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। हमारे कल जैसे गिग वर्कर का था तो हमारे सर गए हैं दिल्ली, उसी के बारे में कोशिश हमारी पूरी है, कोशिश करना हमारा काम है और बाकी आगे तो अभी कोई फिक्स नहीं है। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी या फिर तब तक करते रहेंगे। कविता व्यास, भिलवाड़ा। ऐसा है, आज स्ट्रीट वेंडरों के ऊपर प्रदर्शन है। मोदी जी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000, 20,000 और 50,000 का लोन दिया है, जिससे इनका रोजगार बढ़े। परंतु ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस, नगर निगम, उनकी इस योजना को सफल नहीं होने देना चाह रहा। स्ट्रीट वेंडरों के लिए कानून बना हुआ है, हाई कोर्ट के भी इनके हित में आदेश हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी इनके हित में आदेश हैं, परंतु टाउन बेंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होने के कारण इनके काम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कमेटी की 1 साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए, परंतु उसकी 4 मीटिंग नहीं होती। 2016 में पहली टाउन बेंडिंग कमेटी बनी थी, जिसमें 5 साल में 20 मीटिंग होनी चाहिए, सिर्फ 4 ही हुई थी। तो स्ट्रीट वेंडर का काम कैसे आगे बढ़े? अभी 1 साल पहले टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हुआ है, जयपुर ग्रेटर का, जयपुर हेरिटेज का, उसमें 1 साल से ऊपर हो गया, उसके बाद भी 2-2 ही मीटिंग हुई है। तो स्ट्रीट वेंडर के काम को अधिकारी बढ़ने नहीं देना चाहते आगे, और प्रशासन इनके रोजगार को आए दिन ध्वस्त कर रहा है। ये भूखे मरने की नौबत है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारी बात मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई जाए कि इन गरीबों के रोजगार को चलने दिया जाए। मोदी जी ने जो पीएम स्वनिधि योजना चलाई है वो सफल हो सके और इनका रोजगार भी बच सके। बनवारीलाल शर्मा, अध्यक्ष हेरिटेज सिटी 30 डेल यूनियन। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं टाउन बेंडिंग कमेटी सदस्य हूँ, नगर निगम जयपुर ग्रेटर से। तो क्या है सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में, जो ट्रैफिक की है। हमारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 बना होते हुए भी हमको हमारे जो कानूनी अधिकार है वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। ना टाउन बेंडिंग कमेटी में कोई वेंडिंग जोन बनाने के लिए राजी है, ना नगर निगम, ना नगर प्रशासन, कोई भी मतलब हमारी समस्याओं को सुनने के लिए राजी नहीं है। और टाउन बेंडिंग कमेटी 1 साल बने हुए हो गए, लेकिन उसमें अभी तक 1 ही 2 मीटिंग हुई है और उसमें भी सीओ साहब नहीं आते हैं। तो हमारी जब तक सीओ साहब हमारे जो टाउन बेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं वही हमारी समस्याओं में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ना हमारी समस्याओं को सुनने का समाधान करते हैं। तो जब तक सीओ ही साहब हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे तो हमारा कौन सुनेगा? सबसे बड़ी बात, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, टाउन बेंडिंग कमेटी सदस्य, नगर निगम ग्रेटर जयपुर। अक्षत है मेरा नाम, मैं जनक धरने में शामिल हूँ, अभियान के साथ में हूँ। मेरा मुख्य विषय मुद्दों पे जैसे अभी आज है स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, 30 ठेला रेड़ी पटरी वाले, इनके सामाजिक सुरक्षा अधिकारों के लिए हम बहुत समय संघर्ष करते आ रहे हैं। उसी में इस अंतर्गत ये मेन समस्या मुख्य जो आ रही है, 2014 में कानून के पास में होने के बाद में सरकार, जिन्होंने कानून पास किया, सरकारों को ही कानून का अधिकारों को नहीं पता है। एक जिस कानून के बाद हमको एक हमारी पहचान मिली थी, उससे पहले तो स्ट्रीट वेंडर को कोई जान पहचान भी नहीं थी, कोई भी आदमी दुत्कार देता कर देता, उसके बाद हमको एक पहचान मिली। तो 2014 के बाद में हमको अलग अलग जैसे मेन मुद्दे पे वेंडिंग जोन, जिसका अर्थ होता है कि जहाँ पे हम ठेला लगाएं वो एक जोन दिया जाता है, तो उस कानून में जो धाराएं हमको हमारे हितों के लिए बनाई गई थी, पर अधिकारियों और नगर निगम, नगर परिषद जो भी है, इनकी साठ घाट के तहत का कानून का मिसबिहेव किया जा रहा है। तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया गया, वेंडिंग जोन की जगह नॉन वेंडिंग जोन बना दिए गए, और वेंडिंग जोन ऐसी जगह पर दिए गए जो शहर में निवासी रहे तो उससे बाहर दे दिए। और मेन समस्या 3 ही मुद्दों पर आती है। नगर निगम द्वारा आए दिन हमारे चालान किए जाते हैं, परेशान किया जा रहा है, बिना बिना सूचित किए हमारा सामान ले दिया जाता है। और दूसरा है माफिया, बहुत माफिया सक्रिय है जो अवैध वसूली करते हैं आए दिन आकर साथ में, और अधिकारियों और प्रशासन के ही लोगों की मिलीभगत रहती है। कई जो माफियाओं और मिलीभगत के कारण लोग 10-10, 20-20 ठेले लगा रहे हैं, उन्होंने किराया प्रथा चालू कर दी है, क्योंकि ये सब कानून की जानकारी नहीं होने के कारण
हमको लगता है कि हम अवैध हैं, जबकि हमको अवैध न करके हमको एक अधिकृत रूप से हमको जगह दी गई है। सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिल रहे, कुछ होते नहीं कर करा के सरकार से आए दिन बिना, अभी पिछले कुछ समय से जो सरकार आने के बाद से अभी तो बहुत बुरी स्थिति कर दी गई, आए दिन बिना बात के ही उजाड़ीकरण किया जा रहा है। कहते हैं कि हमें हटा दिया जाता है कि जगह हम अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है। मेरा नाम प्रेरक बड़गुजर है और जयपुर का निवासी हूँ। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के द्वारा ये जनहक धरना जो आज तीसरा दिन है, गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि जो पथ विक्रेता अधिनियम 2014 कानून आया था, उस कानून की लागू अभी तक नहीं किया गया है, न ही कोई नियमावली लागू की गई है। और जो ये पथ विक्रेता जो सब्जी बेचते हैं, जूस की थैल लगाते हैं, चाय तड़ी वाले जो लोग हैं अपने फुटपाथ पे जो काम करते हैं, रोजगार करते हैं, और उनके हक अधिकारों को मारने के लिए आज जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नगर निगम के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उनके थैलों को हटा दिया जाता है, उनके साथ में अभद्रता के साथ में बर्ताव किया जाता है, उनको गाली गलौज किया जाता है, सब्जी थैले वालों का बाट लेके चल जाते हैं, उनके बिना किसी तरीके से उनका चालान किया जाता है और उनको परेशान किया जाता है, उसी को लेकर के आज ये तीसरे दिन में धरना लगा हुआ है। और पिछले दो दिन से हमारा जो धरना चल रहा है, राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय कानून लागू करो, उस कानून को लेकर के हमने बात की, बाकी उसको अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। दूसरा दिन जो हमारा धरना लगा उसका जो विषय था हमारा था कि राजस्थान गिग वर्कर कानून जो था, गिग वर्कर कानून 15 सितंबर 2023 को राजस्थान में लाया गया, लेकिन उसकी नियमावली अभी भजनालाल जो सरकार है वो भजनालाल सरकार अभी तक उसको लागू नहीं की है। राजस्थान ही एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पे शहरी रोजगार गारंटी योजना, नरेगा और जवाबदेही कानून और राजस्थान न्यूनतम गारंटी आए, ये सभी योजनाओं को लेकर के आज जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के तरीकों से जैसे चल रही है, ये गलत है। सरकार को हमारी जो जनहक धरना के लिए हम बैठे हैं वो धरनों की मांगों को पूरी करना चाहिए, कानून जो बनाए गए हैं उनकी नियमावली को लागू करना चाहिए। और सरकार जैसे हम दो दिन से हमारे को जो यहाँ न तो सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आया है न, और कल हमारे जो सीनियर अथॉरिटी है वो सीनियर अथॉरिटी मुख्य सचिव सुशांत जी पंत से मिल के आए हैं, उनके पास भी समय नहीं है वो हमारे से बात कर पाए, या न यहाँ का जो MLA या न यहाँ का कोई हमारा मुख्यमंत्री तो कभी जयपुर में टिकी नहीं रहे हैं, कभी जयपुर से बाहर है, उदयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, कभी लालसोट है, भाई साहब धरती से नीचे आ ही नहीं रहे, वो धरती से ऊपर ही हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं। तो जिस प्रकार लोग जनता राजस्थान की जनता अपने हकों के लिए लड़ रही है और जिस तरह से आज उनके साथ में बर्ताव किया जा रहा है, ये बहुत गलत है, संविधान के खिलाफ है। जिस तरह संविधान हम भारत में संविधान है और संविधान हमारे को जीने का हक देता है, हमारे संवैधानिक मूल्य हैं रोटी कपड़ा मकान, और जिस तरह हम यहाँ काम करने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, वो आज BJP सरकार केंद्र में जो सत्ताधीश ये जो लोग हैं ये अपने मन माने तरीके से UAPA के तहत जो कानून सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली में जेल में डाला जा रहा है, ये इस तरह से गलत है। धन्यवाद। जय हिंद।